स्टूडेंट्स वेलकम टू कंप्यूटर क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डी पेज नंबर ट्वेंटी नाइन ऑफ चैप्टर फोर एंटर की दिस की इज यूज फॉर मूविंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन इस की का प्रयोग कर्सर को नेक्स्ट लाइन में अगली लाइन में लाने के लिए करते हैं करसर को अगर हमारी वन लाइन कंप्लीट हो गई है और हमें दूसरी लाइन में लेके जाना है नेक्स्ट लाइन में तो हम इसकी का प्रयोग करते हैं तो हम एंटर की प्रेस करते हैं दे आर टू इन नंबर ये संख्या में दो होते हैं मीन्स हमारे कीबोर्ड पर दो एंटर कीज़ होते हैं नेक्स्ट इज़ सिम्बल की सिम्बल कीज़ सिम्बल कीज़ हैव स्पेशल कैरेक्टर्स C H A R A C T E R S characters on them. Symbol keys के ऊपर कुछ खास तरह के चिन्ह characters होते हैं, which are located on the upper part of number keys, जो number keys के ऊपर वाले हिस्से पर स्थित होते हैं। ये देखिए pictures में number keys बने हुए हैं आपके and the symbol symbol keys symbols are on the upper part of number keys. दीज कीज़ आर टाइपड विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की इन कीज़ को शिफ्ट की की मदद से टाइप किया जा सकता है मीन्स अगर हम शिफ्ट की के साथ ये वन प्रेस करेंगे सबसे फर्स्ट नंबर की वन है और उसके ऊपर एक सिम्बल बना हुआ है एक्सक्लेमेटरी साइन का देन ऐट द रेट साइन देन हैश टैग परसेंटेज डोलर एंड एंड साइन डिफरेंट साइंस एंड सिम्बल्स आर ऑन दीज कीज़ सो so, अगर हमें प्रेस करना है वन को तो अगर हम सिर्फ वन को एज ए नंबर की प्रेस करेंगे तो वन टाइप होगा लेकिन अगर आपको इनका सिंबल टाइप करना है तो आप इसको शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे ओके नेक्स्ट इज टैब की टैब की और टैबुलर की इज़ अ की ऑन द कीबोर्ड दैट इज यूज टू मूव द कर्सर फाइव स्पेसिस फॉरवर्ड और टू मूव इट टू आर्टिकुलर पोजिशन इन आ डॉक्यूमेंट टैब्स सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बर की का प्रयोग करते हैं बट वैन वी वॉन्ट टू गिव मोर स्पेस वैन वी विल यूज टैब की मीन्स मोस्टली वैन वी राइट द हेडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेज एंड द हेडिंग ओनली वी ऑलवेज भी राइट इन देंटर देन हम स्पेस बार की से वन 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 करके ऐसे अपने कर्सर को मिडिल में या साइड में नहीं ले कर आएंगे देन वी विल यूज टैब की टैब की से हम फाइव स्पेसिस एक बार में ही कवर कर सकते हैं मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस में हमारे वर्ड्स लिखे जा सकते हैं दो वर्ड्स के बीच में भी अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो तो अगर आपको लंबा स्पेस देना है लॉन्ग डिस्टेंस पे रखने हैं वर्ड्स को तो आप की का प्रयोग करते हैं मोर स्पेस देने के लिए ज़्यादा स्पेस देने के लिए आगे और टू मूव इट टू अ पर्टिकुलर पोजिशन इन अ डॉक्यूमेंट और आपको एक वर्ड को हर बार एक एक फिक्स प्लेस पे लेके जाना है आपने फिक्स किया हुआ है जैसे हम वर्ड मीनिंग लिखते हैं ना तो वर्ड मीनिंग के बीच में हम प्रॉपर स्पेसिंग देते हैं थोड़ा दूर दूर होता है वर्ड और फिर बीच में स्पेस होता है फिर मीनिंग होता है तो हर बार वर्ड मीनिंग वर्ड के नीचे वर्ड आए और फिर मीनिंग तक जाने के लिए आपको स्पेस बार का यूज़ करोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है देन वी विल यूज़ टैब की फॉर द मोर स्पेस सो इस तरह से स्पेसिंग के लिए ज़्यादा स्पेसिंग के लिए टैब की का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट इज़ फंक्शन कीज़ फंक्शन कीज़ आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ कीबोर्ड फंक्शन कीज़ कीबोर्ड के टॉप में स्थित होते हैं सबसे ऊपर एंड रेंज फ्रॉम F1 वन टू एफ़ और इनकी जो सीरीज़ होती है फंक्शन कीज होते हैं वो F1 से लेकर F12 तक होते हैं दीज कीज कैन बी यूज एज एज सिंगल की कमांड्स इन की का प्रयोग सिंगल की कमांड के लिए भी कर सकते हैं हम एक बार में एक वर्क करने के लिए फॉर एक्ज़ाम्पल F5 जैसे F5 का प्रयोग हम अपने पेज को या कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो रिफ्रेश करने के लिए करते हैं और कैन बी कंबाइंड विद वन और मोर मोडिफायर कीज फॉर एग्जांपल ओल्ड प्लस एफ फोर और सिंगल की को सिंगल कमांड के लिए एक बार सिंगल वर्क के लिए और कंबाइंड वर्क के लिए भी कंबाइंड कमांड के लिए भी एज अ मोडिफायर की भी हम फंक्शन कीज़ का प्रयोग कर सकते हैं जैसे ओल्ड प्लस एफ फोर एफ फोर एक फंक्शन की है एंड ओल्ड अनदर की है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा कंप्यूटर या हमारा कोई भी एप्लीकेशन टर्न ऑफ हो जाता है बंद हो जाता है तो बंद करने के लिए हम ओल्ड प्लस एफ फोर का कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया रिफ्रेश करने के लिए सिंगल कमांड के लिए कुछ कॉम्बिनेशन में होंगे इन आइदर केस फंक्शन कीज टिपिकली सर्व एज कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू परफॉर्म आ स्पेसिफिक टास्क और दूसरे केस में फंक्शन कीज़ का प्रयोग हम आमतौर पर कीबोर्ड के शॉर्टकट्स में यूज़ करते हैं एक कुछ खास कार्य को करने के लिए अब हमने देखो फॉर एग्जांपल कम ओल्ड प्लस एफ फोर यूज़ किया अगर हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो हम स्टार्ट बटन से जाके भी कर सकते हैं टर्न ऑफ बट हमने उसको शॉर्ट में कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑलवेज सेव योर टाइम जल्दी से वर्क करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं हमेशा तो फंक्शन कीज़ को हम एज ए कीबोर्ड शॉर्टकट भी आमतौर पर प्रयोग करते हैं कुछ खास कार्य के लिए जैसे टर्न ऑफ करने के लिए हमने सीधा ओल्ड प्लस एफ फोर दबाया और हमारा सिस्टम और हमारी कोई भी एप्लीकेशन उससे ऑफ हो गई एंड दीज आर द फंक्शन कीज ऑन द की बोर्ड एफ़ वन एफ टू एफ थ्री टू एफ ट्वेल्व नेक्स्ट इज चेक एंड प्रोसीड विच कीज़ शुड यू प्रेस नंबर वन टू टाइप योर नेम इन कैपिटल लेटर्स आपको अपना नेम कैपिटल लेटर में टाइप करना है तो आपको कौन सा की प्रेस करना चाहिए देन वी हैव टू प्रेस कैप्स्लोक क्योंकि कैप्स्लो कीजें हमारे सारे लेटर्स कैपिटल में टाइप होंगे नंबर टू टू टाइप योर टेलीफोन नंबर्स आपको अपना टेनफोन नंबर टाइप करना है देन विच की शुड यू प्रेस नंबर कीस बिकॉज इन आवर टेलीफोन नंबर्स और ऑल द करेक्टर्स एंड इन आवर टोटल टेक्स्ट इन इज नंबर सो अगर सारे ही नंबर है तो आपको नंबर कीज का प्रयोग करना है इट मींस नंबर थ्री टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन कर्सर को नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर के प्रेस करते हैं द नेक्स्ट हैडिंग इज़ नेविगेशन कीज़ एन ए वी आई जी ए टी आई ओ एन नेविगेशन कीज़ नेविगेशन कीज़ मीन दोज कीज़ शोज़ द डायरेक्शन दिशाएं दिखाने के लिए जो कीज़ यूज़ होती हैं नेविगेशन का मतलब डायरेक्शन ही होता है बेटा दे देयर आर वेरियस नेविगेशन कीज़ ऑन आर कीबोर्ड कीबोर्ड पर अलग अलग प्रकार के नेविगेशन कीज़ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के नेविगेशन कीज होते हैं दीज आर होम की दो दिस की मूवज द करसर टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन होम की कर्सर को लाइन के बिल्कुल शुरुआत में लेकर आता आता है दिस की इज़ यूज दिस की इज मूव द करसर टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन यह की होम की कर्सर को लाइन के बिल्कुल शुरू में मूव कर देता है शुरुआत में लेकर आ जाता है गो टू द नेक्स्ट पेज ऑन पेज नंबर थर्टी नेक्स्ट इज एंड की दिस की मूव्स द करसर टू द एंड ऑफ अ लाइन यह की कर्सर को लाइन के एंड में मूव कर देता है एंड में लेकर आता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस होम की सी टी आर एल शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल बटन की देन कंट्रोल प्लस होम की दिस की कॉम्बिनेशन मूव्स द कर्सर टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट अगर आपने टेन पेजेस का एक डॉक्यूमेंट टाइप किया और आप टेन नंबर पेज पे हैं नीचे तो जब आप कंट्रोल एंड होम की को कंबाइन प्रेस करेंगे कॉम्बिनेशन में दबाएंगे तो आपका कर्सर सबसे ऊपर वाले डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पेज पे आ जाएगा नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एंड की दिस की कॉम्बिनेशन मूव द कर्सर टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट बॉटम मतलब सबसे नीचे सो यह की कॉम्बिनेशन जब आप प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे आ जाएगा पेज अप की दिस की मूव द कर्सर अप बाई वन स्क्रीन यह की कर्सर को आपके पेज पे ऊपर लेकर आएगा पेज डाउन की दिस की मूव द कर्सर डाउन बाई वन स्क्रीन आप आपकी स्क्रीन पर जो आपका पेज है उसमें यह की कर्सर को सबसे पेज में सबसे नीचे नीचे आपको की को कर्सर को प्लेस कर देगा डिलीट की दिस की इरेजिज द कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर और टेक्स्ट यह है कि कैरेक्टर्स को या टेक्स्ट को जो आपके कर्सर के राइट right साइड में हैं उनको इरेज कर देगा इरेज कर देता है डिलीट की बट जो भी टेक्स्ट आपके कर्सर के राइट right साइड में है उसको और लेफ्ट साइड के लिए हम बैक स्पेस की यूज़ करते हैं सो वी यूज़ बोध बोध द कीज टू इरेज अवर मिस्टेक्स और टेक्स्ट नेक्स्ट इज इंसर्ट की आई एन एस ई आर टी इंसर्ट की दिस की टर्नस द इंसर्ट मोड ऑन और ऑफ़ यह कि इंसर्ट मोड को ऑन और ऑफ़ करता है वैन इट इज़ ऑन जब यह ऑन होता है यू कैन इंसर्ट द टेक्स्ट एट द करसर पोजिशन करसर जिस प्लेस पे है आपका वहाँ पे आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सक इंसर्ट कर सकते हो पुट कर सकते हो टाइप कर सकते हो एंड व्हेन इट इज़ ऑफ और अगर इंसर्ट की ऑफ मोड में है द टेक्स्ट दैट यू टाइप रिप्लेस एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स और अगर ये ऑफ मोड में है तो अगर आप टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं आपका टाइप टेक्स्ट है वो ऑलरेडी जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्लेस कर देता है उनको हटा देगा और आपका जो नया टेक्स्ट है वो टाइप होता चला जाएगा इसलिए इंसर्ट की ऑफ और ऑन होने से डिफरेंस ही आता है जब इंसर्ट की से अगर आपका इंसर्ट मोड ऑन है तो आपका टेक्स्ट ऑलरेडी जो आपका टेक्स्ट उसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा और ऑफ और ऑन होने से डिफरेंस ही आता है जब इंसर्ट की से अगर आपका इंसर्ट मोड ऑन है तो आपका टेक्स्ट ऑलरेडी जो आपका टेक्स्ट उसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा और अगर ये ऑफ है तो आपका जो पहले से ऑलरेडी जो टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने वो उसको रिप्लेस कर देगा उसको हटा देगा और आपका नया टेक्स्ट वहाँ पे पुट हो जाएगा नेक्स्ट इज़ कीज वी यूज़ दीज कीज़ टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन इस की को हम इन कीज़ को हम कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए हिलाने के लिए एक से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं द एरोज़ मार्क्ड ऑन दिस कीज़ इन कीज़ के ऊपर जो एरो बने हुए हैं सिम्बलाइज द डायरेक्शंस डायरेक्शंस को शो करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ्ट राइट अप और डाउन दाएँ बाएँ दाएँ ऊपर और नीचे दिस कीज़ आर ऑल्सो नोन एज कर्सर कंट्रोल कीज़ इन कीज़ को कर्सर को नियंत्रित करने वाले कीज़ भी कहा जाता है मीन्स दी इन कीज़ से हम कर्सर को फोर डायरेक्शंस में कंट्रोल कर सकते हैं अप एंड डाउन लेफ्ट राइट नाउ चैप्टर फोर इज़ कंप्लीट